बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कल हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 3.8, तो इसकी एग्जांपल्स आपने खुद में निकाल कर ट्राई करनी है। उसके बाद है इसके क्वेश्चन। मैंने आपको कहा था क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14, 15, ये जितने भी हैं सारे आप इसको ट्राई करें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 है, या पीछे से कोई क्वेश्चन इसमें से देख लें, बड़ा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 हम देख लेते हैं, 13, 14, 12। क्वेश्चन नंबर 14, सॉल्यूशन। y minus x dy over dx equals to 2 into y square plus dy over dx। x और y को सेपरेट करेंगे और dx और dy को भी, तो ये हमारे पास आया y minus x dy over dx, 2 को मल्टीप्लाई करें 2y square plus 2dy over dx। x उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, y minus 2y square x dy over dx plus 2dy over dx। यहाँ से कॉमन हम लेंगे डी वाई ओवर, ये बल्कि 2y स्क्वायर है, डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन, एक्स प्लस 2। इधर हमारे पास आया y माइनस 2y स्क्वायर। अब x और x वाली टर्म्स और डी एक्स को इकट्ठा करना, तो ये क्या होगा, उस तरफ जाकर 1 over x plus 2 into dx, dx को जाकर मल्टीप्लाई, ये इस तरफ आकर क्या होगा, डिवाइड 1 over y minus 2y square into dy, 1 over y into y minus 2 dy। आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करें, 1 ओवर y इंटू y माइनस 2 a ओवर y प्लस b ओवर y माइनस 2, तो 1 इक्वल आएगा a इंटू y माइनस 2 इंटू b y। यहां से y की वैल्यू आती है 0, तो हम इसमें पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो यहाँ से आता है माइनस 2a इक्वल्स टू 1, a इक्वल आया माइनस 1 ओवर 2। इसी तरह हम b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, y इज इक्वल टू निकलता है 2, तो इसमें 2 पुट करें तो 1, ये 2 माइनस 2 0 होगा, तो 2b, b की वैल्यू आई 1 ओवर 2। तो जब आप इसमें पुट करेंगे a और b की वैल्यू, तो ये इक्वल आएगा माइनस 1 ओवर 2 y प्लस 1 ओवर 2 इंटू y माइनस, तो इस सारे की जगह पर हम लिखेंगे माइनस 1 ओवर 2 y प्लस 1 ओवर 2 y minus 2 dy। ये वैसे ही आएगा 1 over x plus 2 dx, 1 over x plus 2 dx। अब taking integration on both sides, integral का साइन लगेगा x plus 2 dx,
माइनस बाहर वन ओवर टू बी वन ओवर वाई डी वाई प्लस वन ओवर टू वन ओवर वाई माइनस टू इंटू डी वाई। तो हम देखिए इसका डेरिवेटिव क्या है, वन है वन पर मौजूद है तो ये बनेगा एल एन ऑफ एक्स प्लस टू और इधर माइनस वन ओवर टू एल एन ऑफ वाई प्लस वन ओवर टू, इसका डेरिवेटिव भी ऊपर मौजूद है आप इसे लिख सकते हो एल एन ऑफ वाई माइनस टू। इधर हम लगा लेते हैं इसको सी वन कर लेते हैं या एल एन ऑफ सी भी कर सकते हैं, सारा में नेचुरल लॉगरिथम आ रहा है। उसके बाद इनको आप करोगे कंबाइन, वन ओवर टू कॉमन ले लो, पॉजिटिव वाले को पहले लिख लो एल एन ऑफ वाई माइनस टू माइनस एल एन ऑफ वाई। तो जब आप इनको कंबाइन करोगे, नाइन्थ में आप पढ़ चुके हो लॉग ऑफ ए ओवर बी इक्वल होता था लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, अब ये वही है लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। जब हम इसे कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा हाफ एल एन ऑफ वाई माइनस टू ओवर वाई। इधर क्या है दोनों के दरमियान प्लस है तो आप इसे लिख सकते हो एल एन ऑफ, ये भी हमने ला पढ़ा था फर्स्ट ला था a मल्टीप्लाइड बाय b और log ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b, तो हम इसे लिखेंगे log ऑफ a प्लस log ऑफ b, ये बनेगा एल एन ऑफ x प्लस टू इंटू सी। इसे हम लिखेंगे एल एन ऑफ c इंटू x प्लस टू। अब दोनों तरफ नेचुरल लॉगरिथम को आप कैंसिल कर दो तो ये इक्वल आया हमारे पास y माइनस टू ओवर y, ये टू इधर डिवाइड हो रहा है तो जाकर क्या होगा मल्टीप्लाई टू सी इंटू एक्स प्लस टू, ये आंसर है। उसके बाद आप देखेंगे इसमें एग्जांपल नंबर 11 है और 9 है। एग्जाम्पल नंबर 9 में देखें आप कि आपको दिया हुआ है अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इट्स एक्सेलरेशन इज गिवन एज, ये उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है आपको। एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होता है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। तो हमारा पहला पार्ट क्या है, पहले पार्ट में उसने कहा फाइंड वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टी, मतलब आपने ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करना है जिसमें v हो और t हो बस इसके अलावा कुछ ना हो। गिवन दैट a इज इक्वल टू टू टी माइनस सेवन, तो a की जगह पर उसने लिख दिया है डी वी ओवर डी टी, तो डी टी इधर डिवाइड हो रहा था उधर जाके हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो डी वी इक्वल्स टू आया टू टी माइनस सेवन, तो इंटीग्रेशन लिया दोनों साइड्स पे हमने तो v इज इक्वल टू आया टी स्क्वायर माइनस सेवन टी प्लस सी वन। अब आप कंडीशन देखें, वेलोसिटी हमें दी हुई है 10, टाइम कितना दिया हुआ है 0, तो इसमें v और t की हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास c1 निकलता है 10। इस c1 को हम एग्जांपल नंबर 1 एग्जांपल नंबर 9 की जो ये इस इक्वेशन 1 उसने लिखी हुई है इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा v और t का, v इज इक्वल टू टी स्क्वेयर माइनस सेवन टी प्लस टेन। अब देखें उसके बाद पार्ट टू है फाइंड एस, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है आपने, तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है चेंज इन डिस्टेंस ओवर टाइम, तो यहाँ से डी टी जो था वो डिवाइड हो रहा था उधर जाके हमने इसे किया मल्टीप्लाई तो दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन लिया तो एस हमारे पास आया टी क्यूब ओवर थ्री माइनस सेवन टी स्क्वेयर ओवर टू प्लस टेन टी प्लस सी टू आया। अब उसके बाद आप एग्जांपल नंबर 9 के पार्ट टू में कंडीशंस पढ़ें, डिस्टेंस उसने 10 दिया हुआ है, टाइम उसने हमें 0 दिया हुआ है, तो जब हम इसमें टाइम और
डिस्टेंस की एस की वैल्यूज पुट करते हैं तो सी टू हमारे पास आता है ज़ीरो। सी टू जब ज़ीरो निकलता है तो हमारे पास ये रिलेशन बनता है एस इज इक्वल टू 1/3 टी क्यू माइनस 7/2 टी स्क्वायर प्लस 10t। तो इसी तरह ये रिलेशन आपको एग्जांपल नंबर 10 में भी दिया हुआ है, आप इसको स्टडी करें। उसके बाद एग्जांपल नंबर 11 है हमारे पास, इसी तरह आप बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ हमने बॉल को फेंका है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो आप फिजिक्स में पढ़ चुके हो, वो नेगेटिव होगा। पिछली एग्जांपल में यही चीज़ पॉजिटिव थी, अब क्या है यहाँ पर अपवर्ड साइड पे नेगेटिव होगा। तो डी वी ओवर डी टी इक्वल आया माइनस जी के, तो जी हमारे पास होता है कॉन्स्टेंट, तो यहाँ से हमारे पास ये इसका जो इंटीग्रेशन है वो आया वी इज इक्वल टू माइनस जी टी प्लस सी वन। तो देखिए अब हमें क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है और एयर रेजिस्टेंस को हमने क्या करना है, निगलेक्ट कर देना है। तो v इज इक्वल टू 1470, टाइम हमारे पास क्या है जब ज़ीरो है तो c1 की वैल्यू हमारे पास 1470 आया, तो वही वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं और g की जगह पर उसने पुट किया हुआ है, वैसे इसकी वैल्यू होती है 9.8। अब इसको उसने कन्वर्ट किया सेंटीमीटर्स, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो ये बन गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। अब हमने इसको कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर से 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो जब आप मीटर को सेंटीमीटर में लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ, 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारे पास बनेगा 980। तो इसलिए ये उसमें वैल्यू पुट की हुई है 980 यहाँ पर। तो अब देखिए हमारे पास v की वैल्यू जो आई है, v इज इक्वल टू आ गया v इज इक्वल टू माइनस जी टी प्लस 1470। अब उसके बाद ये वाला जो v है इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस का क्या फार्मूला है, वेलोसिटी से डी एच ओवर डी टी, तो ये हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1470 माइनस जी टी, तो ये इक्वल आ जाएगा। तो देखें अब डी एच इक्वल आया 1470 माइनस 980 डी टी, इसका जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो एच की वैल्यू हमारे पास आएगी 1470 टी माइनस 490 टी स्क्वायर प्लस सी टू। अब देखें इसमें क्या है, हाइट ज़ीरो, टाइम भी जब ज़ीरो है तो C2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वही हम इसमें पुट करेंगे तो H इक्वल आएगा हमारे पास 1470 T माइनस 490 T स्क्वायर। अब वो क्या कहता है, द मैक्सिमम हाइट विल बी अटेंड, जब आप मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाओगे तो वेलोसिटी वहां पर क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो देखें अब आपने v को ज़ीरो रखना है और उसके बाद इसको सॉल्व करें, तो ये तीनों पार्ट्स आपने इसके सिंप्लीफाई करने, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22 और 23 आपने ऐसे ही अटेम्प्ट करने। कोई क्वेश्चन में अगर इशू हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं ग्रुप में। अल्लाह हाफ़िज़।